चंद लोगों को हिंसा से बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो हिंसा की फसल लगाते हैं और चुनावों में उसको काटने का काम करते हैं। ये लोग आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। इनके जो बच्चे हैं बाहर जाके पीएचडी करके आएंगे, ये इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इनके घर में इंग्लिश कुत्ते हैं, इनके घर में सब इंग्लिश स्टाइल की चीज़ें हैं और हमको कहते हैं कि नहीं, हिंदू और हिंदुस्तानी की बात करो। ऐसा समाज बनाइए जहाँ न्याय की बात हो, जहाँ समता की बात हो, जहाँ स्वतंत्रता की बात हो, जहाँ भाईचारे की बात हो, जहाँ नफरत की बात ना हो। और ये नफरत के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। हम फुटबॉल की तरह काम नहीं करें कि बीजेपी मारेगी तो कांग्रेस के पास चले जाएंगे, कांग्रेस मारेगी तो बीजेपी के पास चले जाएंगे। हम कब तक फुटबॉल बनते रहेंगे? हम कब तक अपने अधिकारों को मांगते रहेंगे? संविधान की बात करते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान सब गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सबकी बात करता है, वो समता की बात करता है, हम उसको बचाने की बात करते हैं। तो आप क्यों नहीं आना चाहते? आप क्यों ताकत नहीं बनाना चाहते? अगर कोई सम्मान की बात करेगा, कोई देश की बात करेगा, कोई संविधान की बात करेगा, अपने अधिकारों की बात करेगा, तो जेल में डालकर NSA लगाया जाएगा, UOP लगाया जाएगा। ये तो उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहे हैं। कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो सेंटर में सरकार है, चाहे वो राज्यों में सरकार है, वो हिंसा को पोषित करती है। आपने दिल्ली की हिंसा देखी होगी, आपने मणिपुर की हिंसा देखी होगी, आपने नूह की हिंसा देखी होगी। सारी हिंसाओं के पीछे कुछ कथाकथित जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका हाथ है। वो लोगों को चैलेंज करते हैं और वो हिंसा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में कुछ चंद लोगों को हिंसा से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो हिंसा की फसल लगाते हैं और चुनावों में उसको काटने का काम करते हैं। आप लोग देश के पहरेदार लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के मजदूरों को और देश के जो संविधान पर विश्वास करते हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इनकी चालों को समझना पड़ेगा। ये लोग आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को हिंसा फ्री इंडिया बनाना है। जब वॉयलेंस फ्री इंडिया बना देंगे तो बात बन जाएगी। संविधान की घटना पे क्या बोलेंगे सर? देखिए, मेवात की जो घटना है वो सोची साजी एक साजिश है। मेवात में जैसे दिल्ली में इन्होंने आतंक मचाया, दिल्ली में भी घटना करी 2002 में, आपने 2020 में आपने देखा होगा। उसके बाद मणिपुर में हिंसा हुई है, मणिपुर में भी एक सोची समझी साजिश है। ऐसी नूह में भी एक बड़ा प्रयोग करना चाहते थे। ये समय समय पर एक प्रयोग करना चाहते हैं कि समाज कितना तैयार है, कितना तैयार नहीं है। मगर नूह में जो घटना हुई है वो सोची साजी समझी है। इसलिए देश के बहुजनों को समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं आपको भड़काने का काम करेंगे। कभी हिंदू खतरे में आ जाता है, कभी कुछ खतरे में आ जाता है, कोई खतरे में नहीं है। 2024 में इनकी कुर्सी खतरे में है, ये समझना पड़ेगा आपको। देश के लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में इनकी कुर्सी से इनको उखाड़ कर फेंकना है। कुर्सी से इतना लगाव है इन लोगों को कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दंगे फैला सकते हैं, कुर्सी के लिए दो समाजों के खिलाफ ये भाषण दे सकते हैं, दो धर्मों को आपस में लड़ा सकते हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा 2024 तक इनके चक्कर में ना आए। ये आपको भड़काएंगे, आपको झूठा हिंदू बनाने का काम करेंगे। आप इनसे सवाल पूछना कि आपने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं, आपने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं। वादे सवाल करेंगे, जब भी ये सवाल पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि हिंदू खतरे में है। जब आप पूछेंगे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है तो कहेंगे हिंदू खतरे में है। जब आप पूछेंगे 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है तो आप पूछेंगे हिंदू खतरे में है। जब बोलेंगे कि देश अच्छे हाथों में नहीं है तो बोलेंगे नहीं, आपको देश का अच्छे हाथों में चाहिए, हिंदू खतरे में। तो ये आपको हिंदू खतरे में बताकर आपके जो चीज़ें हैं आपके सवालों को भटकाने का काम करेंगे। आपको नहीं भटकना है, आपको सवाल पूछना है। कल वो अलग कर लिया और हिंसा उस लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल के सोचा गया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने समाज को? कैसे देखिए, इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को पता है कि ये कैसे कैसे बांटकर राजनीति करते हैं। अब इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, वो इनकी चालों को समझ चुके हैं। क्योंकि जो काट की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती है, वो एक बार चढ़ती है। अब लोगों ने बना लिया कि इनके बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ेंगे और हमारे बच्चे भैया हिंसा करने के काम आएंगे, हम धर्म बचाएंगे। धर्म का बचाने का ठेका हमने ले रखा क्या इनके बच्चों ने? इनके बच्चे जो हैं, शिवराज का जो बच्चा है वो बाहर जाके LLM करके आएगा, इनके जो बच्चे हैं बाहर जाके PhD करके आएंगे। ये इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, इनके घर में इंग्लिश कुत्ते हैं, इनके घर में सब इंग्लिश स्टाइल की चीज़ें हैं और हमको कहते हैं कि नहीं, हिंदू और हिंदुस्तानी की बात करो, हिंदी हिंदुस्तान की बात करो।
अरे लोगों का करनी और कथनी में अंतर है। देश के लोग समझ चुके हैं, 2024 में आप देखना इनको देश के लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। ये एक आज़ादी का दौर है, हमको आज़ादी इनसे चाहिए। तो आप बजरंग दल को सपोर्ट नहीं करते? देखिए हम क्यों करेंगे, हम हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम संविधान के मानने वाले हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया ये कहता है कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज न्याय समता स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। ये भाईचारे को ख़त्म करके नफरत फैलाना चाहते हैं, अन्याय न्याय की जगह अन्याय करना चाहते हैं और समता की जगह असमानता ये देश में फैलाना चाहते हैं। हम इनको कन्फ्यूजन होता है कि जब वोट पड़ता है तो दलित समाज को हिंदू बना दिया जाता है और जब वोट ले लिया जाता है तो तुम दलित हो, छुआछूत होता है, तो थोड़ा अवेयरनेस थोड़ा बताएं इस पर क्या सब? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से हम तो अवेयर करते रहते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप झूठे हिंदू मत बनिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सवाल पूछिए, आप पूछिए कि हमारे बच्चों के स्कूल कहाँ हैं, जो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी हैं हमारा नंबर कहीं नहीं है। 20 करोड़ लोग इंडिया में रात को भूखे सोते हैं, वो कौन कैसे सोते हैं भैया, क्यों उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे हम नीचे हैं, सारे जितने भी इंडेक्स हैं ग्लोबली हम उन सब में नीचे हैं और कहते हैं कि हिंदू खतरे में, उनके पास तो एक ही है। तो धर्म के नाम पर लोगों को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप एक ऐसा देश बनाइए, एक ऐसा समाज बनाइए जहाँ न्याय की बात हो, जहाँ समता की बात हो, जहाँ स्वतंत्रता की बात हो, जहाँ भाईचारे की बात हो, जहाँ नफरत की बात ना हो। और ये नफरत के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, ये नफरत की हिंसा का शिकार अगर दलित और मुसलमान है तो किसके साथ जाएगा 2024 मुसलमान? बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक ताकत है। हम फुटबॉल की तरह काम नहीं करें कि बीजेपी मारेगी तो कांग्रेस के पास चले जाएंगे, कांग्रेस मारेगी तो बीजेपी के पास चले जाएंगे। हम कब तक फुटबॉल बनते रहेंगे, हम कब तक अपने अधिकारों को मांगते रहेंगे? अरे एक बार आपने बीजेपी को देखा, आपने कांग्रेस को देखा, आपने आम आदमी पार्टी को देखा, क्या आपके जीवन में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन आया? इस देश के लोगों के जीवन में कोई रत्ती भर परिवर्तन आया? आप एक बार अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो देश में संविधान की बात करती है, संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान सब गरीब मजदूर किसान नौजवान सबकी बात करता है, वो समता की बात करता है, हम उसको बचाने की बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं आना चाहते, आप क्यों ताकत नहीं बनाना चाहते? यहाँ पर कोई एग्जाम देकर नहीं आता है कोई बनता है प्रधानमंत्री, यहाँ पर वोटों के माध्यम से प्रधानमंत्री बनता है। वोट तुम्हारी ज्यादा है, तुम अपना राजा क्यों नहीं बनाना चाहते? एक बात बताइए, जिस प्रकार से मेवात में हिंसा हुई, आरोप लगा बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर पे, इससे पहले भी नासिर जुनैद हत्याकांड हुआ था उसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुई है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है मोनू मानेसर की? देखिए गिरफ्तारी सरकारें करती हैं और सरकार उनके पीछे है, तो आप किससे उम्मीद करते हैं कि गिरफ्तारी करेगी? जो सरकार करा रही है और सरकार गिरफ्तार कराती है तो सरकार कैसे गिरफ्तार आएगी? जब जिस देश में पुलिस वाले RPF का नौजवान जिनको ये सुरक्षा की जिम्मेदारी है कि रेल में जितने भी यात्री जा रहे हैं उनकी सुरक्षा करेंगे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है और वो जाति देखकर दाढ़ी देखकर वो 3 लोगों का कत्ल करता है और चौथा वो अपने सीनियर का कत्ल कर देता है, तो और कहता है कि इस देश में अगर रहना है तो मोदी योगी कहना पड़ेगा, तो आपने जोंबी पैदा कर रहे हैं, आप नफरत फैला रहे हैं, नफरत लोगों के अंदर घुसा रहे हैं, आप नफरत फैलाकर अच्छा देश नहीं बना सकते हैं। वैसे बीजेपी चाहती है कि देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, ऐसे ही देश की सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है प्लास्टिक की चिड़िया भी नहीं बना रहे, किसके लिए बना सकते हैं? तो अडानी के लिए सुनने में आ रहा सब कुछ। देखिए इस देश में देश लोगों से चलता है, यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, अगर उनमें आप नफरत फैलाएंगे तो देश के लोग आंदोलित हो जाएंगे, देश के लोग समझ रहे हैं इनकी चालों को, मगर इनका जो मीडिया है, मीडिया हिंदू मुसलमान करने में कामयाब है, हम मीडिया की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, मगर जो सोशल मीडिया आप जैसे जो लोग हैं जो पूरे देश में हमारे जैसे लोगों की या सच्चाई को पूरे घर घर में पहुंचाने की बात करते हैं, ये उस पर भी ये अंकुश लगाने की बात करते हैं। आप देखिए आप लोगों को हमेशा से जो काम कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए, और रहा मोनू मानेसर की बात, वो गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि भारत के अंदर वॉयलेंस की कोई जगह नहीं है, भारत के संविधान में वॉयलेंस की कोई जगह नहीं है और सिविल सोसाइटी में वॉयलेंस की कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति मोनू मानेश्वर छोड़िए कितने भी मानेश्वर कितने भी मोनू आ जाएं, अगर कोई वॉयलेंस करता है तो उसका स्थान जेल है, मगर जेलों में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। अगर कोई सम्मान की बात करेगा, कोई देश की बात करेगा, कोई संविधान की बात करेगा, अपने अधिकारों की बात करेगा तो जेल में डालकर NSA लगाया जाएगा, UOP लगाया जाएगा, ये तो उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास हर 5 साल में मौका आता है, 5 साल होने वाली हैं 2024 में सरकार को बदलना है, अगर आप लोगों ने सरकार को बदल दिया तो सारी समस्याओं से समाधान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रसार किया जाता है मुंह पर। बुलडोजर वाले न्याय को कैसे देखते हैं? बुलडोजर वाले न्याय को
देखिए बिल्डोजर से कोई न्याय नहीं मिलता है। अगर बिल्डोजर से ही न्याय मिलेगा तो कोर्ट कचहरी क्यों है, क्यों पुलिस वाले हैं, क्यों थाने बना रखे हैं, क्यों कोर्ट है, क्यों जज हैं, क्यों वकील हैं, अपने आप ही न्याय दे दो ना सारा कुछ। क्या व्यवस्था देश ऐसे चलता है क्या? जो जिन्होंने देश को आज़ाद किया उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस देश के अनपढ़ नेता आकर ऐसा न्याय देने का काम करेंगे। न्याय नहीं है, अन्याय है, अन्याय अन्याय है। ये दंड देने का अधिकार केवल केवल डेमोक्रेसी में न्यायालय को है, और किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। न्यायालय जो जज है वो दंड देंगे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो दंड देने का प्रावधान है यहाँ पे। अगर तुम खुद ही दंड देने लगे तो फिर व्यवस्था की जरूरत क्या है? सेलिब्रेट किया जा रहा है ना बुलडोजर। देखिए लोग सारी संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं उनको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और सारे सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं। ये अपनी दुकान बनाना चाहते हैं। अनपढ़ की बात कर रहे हैं, अगर आप भी जॉब करते तो आपको हटा दिया जाता है, जॉबलेस कर दिया जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि अनपढ़ कह देना, क्रिटिसाइज कर देना जॉब के लिए खतरा हो सकता है? देखिए मेरी बात अब सुनिए, ये जितने भी लोग हैं ये लोग जुल्म क्यों कर पा रहे हैं, ये आपकी नौकरी क्यों छीन पा रहे हैं, ये आपके बच्चों का रोजगार क्यों छीन पा रहे हैं, ये आपके बच्चों की एजुकेशन क्यों छीन पा रहे हैं, ये आपके बच्चों के अधिकारों को क्यों छीन पा रहे हैं, ये क्यों कह पा रहे हैं कि हम भारत के संविधान को चेंज करेंगे, हम भारत के संविधान को बदलेंगे? क्योंकि ये सत्ता में है, और सत्ता में आने का एक प्रोसीजर है, हर 5 साल में वोटिंग होती है, 5 साल में देश के लोगों को अपना राजा अपना प्रधानमंत्री चुनने का एक अधिकार है। अगर आपको इन सारी सुविधाएं को प्राप्त करना है, सारे अधिकारों को अगर लेना है, तो आपको सरकार को बदलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप चिल्लाते रहें, आप सड़कों पर उतरते रहें, सब कुछ उतरते रहें, आप सरकार को बदलने के लिए कोशिश करिए, और जिस दिन आप सरकार को बदल देंगे उस दिन आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा।